अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अल्लाह आप सबको अच्छा रखे, आप सबके नेक हाजते नेक तमन्नाएं पूरी करे। जो बेरोजगार है अल्लाह ताला उनको रोजगार से लगा दे। जो जिसके नौकरियां जा रहे हैं अल्लाह, जो भी कंट्री में, अल्लाह ताला उनको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, उनके रोजगार को सही सलामत रखे, उनकी जो भी दिल की परेशानी है दूर करे। और जो बच्चियों के नेक नसीबे होना है अल्लाह ताला उनके जोड़े से उनको मिला दे। जो बच्चियों की डिलीवरी होना है अल्लाह आसानी से अता करे। अल्लाह ताला अपने खजानों में से हमको ढेर सारा नवाज दे। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ बकरीद स्पेशल खट्टी दाल इजवलिया, टमाटे की खट्टी दाल। उसके लिए चाहिए 1 कप मसूर की दाल ली, मैं आधा घंटा भिगो दी, और 2 चाय के चमचे तुवर की दाल डालना है इसमें। टमाटे 2 पीस गोल गोल स्लाइस कर ली मैं। टमाटे का ये साइज है, अगर आपके पास छोटे हैं तो 4-5 लेंगे। ये दाल में दाल कम टमाटे ज्यादा रहते। हरा धनिया 3 चाय के चमचे, पानी 1/2 लीटर, ये बघार का है, करी पत्ता 15-20 पत्ते, 4 सूखी मिर्ची, लहसुन 5-6 कली, जीरा 1.5 चाय का चमच, 3 पिंच राई, 1 पिंच कलौंजी, अदरक लहसुन 1.5 चाय का चमच, मिर्ची 1/2 चाय का चमच, 4 हरी मिर्ची, नमक 1/2 चाय का चमच, हल्दी 4 पिंच 1/2 कप। और ये दाल बहुत मजे की बनती, और ईद स्पेशल इसलिए हो रही है, इसमें खट्टा नहीं रहता, नींबू नहीं रहता, टमाटे की खटास रहती, दाल कम टमाटे ज्यादा। तो आप तलावे गोश्त के साथ जो भी मटन बना रहे हैं उसके साथ बहुत भी बहुत अच्छी दिखती। पहले के लोग जरूर बनाते थे ये दाल, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। थोड़ा ज्यादा जीरा लेना है, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं क्यों रखी इतना जीरा। ये पूरा इसमें डाल दूंगी मैं दाल के अंदर, टमाटे भी डाल दूंगी, पानी 1 ग्लास उतना डाली मैं, ये जो दाल आप लोगों को डिस्प्ले में बताई वो भी डाल दूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे, और ये जीरा ज्यादा बताई थी ना, तो थोड़ा इसमें जीरा डालेंगे, तो जब भी दाल में सोंधापन आएगा ये टमाटे की दाल में। और 4-5 कली लहसुन भी डालेंगे। 2 सीटी दे दूंगी मैं, फिर आप लोगों को बताती हूँ। मैं हाई फ्लेम पे नहीं है, मीडियम फ्लेम पे है, क्योंकि टमाटे भी अच्छे दाल के साथ गले तो दाल बहुत मज़े की होती, फिर आप लोगों को बताऊंगी। दाल पर सीटी आ गए, थोड़ा पानी रहना है इसके अंदर, क्योंकि टमाटे का जूस है इसके अंदर, तो वो पानी रहना है। तो गैस बंद है, मैं ऐसे घोटूंगी इसको, और ये ज्यादा पतली भी नहीं रहती, गाढ़ी भी नहीं रहती। और जो लोग लाल मिर्ची नहीं खाते, हरी मिर्ची डालिए। कोई हमारी बच्ची लिखे थे, आंटी जी मेरे को हरी मिर्ची की दाल बताइए, तो उन्होंने हरी मिर्ची लिखे आप खाली, मगर कौन से फ्लेवर की, कच्ची इमली की, कैरी की, अब इसमें तो खट्टा नहीं है, तो फिर आप लिखो तो मैं बता दूं। खाली नाम मत लिखिए, किस वजह की रेसिपी चाहिए वो लिखो। घोटना जरूरी है, घोटे तो एक मजा आएगा। और ज्यादा डालना चाह रहे हैं तो आप बराबर डाल सकते हैं टमाटे, ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि टमाटे की दाल है ये, और ईद के दिनों में बहुत अच्छी दिखती है दाल, ज्यादा मेहनत भी नहीं लगती। 1 ग्लास उतना पानी डाली मैं, इसको ज्यादा बॉईल करना नहीं है, अब गैस ऑन कर दूंगी मैं, 1 बॉईल आने दूंगी इसमें। अब इसमें 1 चाय के चमच तक कोथमीर डाल दूंगी मैं, और करी पत्ता वो कुछ भी ना डालूंगी मैं इसमें, हरी मिर्ची कुछ नहीं, थोड़ा कोथमीर बचा के रखी, मैं कब डालना है बताऊंगी। ये जैसा अपन खट्टी दाल को खट्टा औंटाते ना, उतनी देर नहीं औटाना है,
बस थोड़ा सा कफ बनने लगना, गैस बंद कर दूंगी, फिर इसको पकाऊंगी। ऑयल डाल देंगे, लहसुन डालेंगे पहले, कट नहीं कर रही हूँ मैं, और इसको ज़्यादा डार्क नहीं करना है ये बघार को दाल के वैसा। ये टमाटर की दाल है ना, तो हल्का सा मतलब फ्लेवर आने देना है अपने को। जीरा राई 1 पिंच कलौंजी, कलौंजी ज़रूर डालिए जब भी आपको टमाटर की दाल का मज़ा आएगा। थोड़ा सा करी पत्ता डालिए, अभी है मेरे पास। ये सूखी मिर्ची डाल लेंगे दाल के लिए। लहसुन भी कच्चा कच्चा रहना है, बस लहसुन की आपको स्मेल आना है दाल में। अब गैस बंद कर दूंगी मैं, ये करी पत्ता डाल दूंगी। और ये कोथिंबीर, और आप लोग भी जब भी पक जाता ना, पकते रबर निकालना, ठंडा करना, फ्रीजर में डाल देना, तो अपना रबर 2-3 साल चलता। मेरे को आदत है, तो आप लोग भी आदत बना लेंगे। अब ये पूरे धुएं को मैं जो दाल का है ना इसमें इसमें बसने दूंगी, ऐसे 5 मिनट से आप लोगों को डिश आउट करके बताती हूँ। टोमेटो की दाल बनके बिल्कुल रेडी है, और खट्टा नहीं डालना है इसमें, नींबू नहीं डालना है। अगर जिसको खट्टा खाने की आदत है, जब दाल आप बघारेंगे प्लेट में लेंगे, तो जब ऊपर से नींबू डालिए, नहीं तो टमाटे का मजा हट जाता। और चावल से ये ईद स्पेशल इसलिए बोल रही हूँ, आप जो भी मटन फ्राई करिए उससे बहुत अच्छी दिखती। और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दुआ में याद रखिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।